छत्तीसगढ़ में आज की सबसे बड़ी खबर सुबह के वक्त निकलकर सामने आई है। खबर शराब और कोयला घोटाले से जुड़ी हुई है। इस मामले में ईडी ने एक बड़ी एफआईआर रायपुर स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 3 पूर्व मंत्रियों, कुछ पूर्व विधायकों, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस और इसके साथ ही 1 रिटायर्ड आईएएस, कई कांग्रेस नेताओं सहित 100 से ज्यादा लोगों को एफआईआर दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक जो नाम सामने आए हैं उनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, विवेक ढांड, तो वहीं पूर्व मंत्री कवासी लकमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय और इसके साथ ही पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह इद्रीस गांधी, पूर्व सीएम के मित्र विजय भाटिया का नाम भी शामिल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।